हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शेयर करने से पहले आपके साथ में मैं ना DIY लैंप शेयर करूँगी जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं त्यौहार के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना रुई लिया है मैंने और 4 ग्लास ली है कांच की, पानी, तेल और कलर लिए हैं और हल्दी कुमकुम लिया है। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से बाती बना लेनी है। और ना नॉर्मली हम भगवान जी के लिए मोटी वाली बाती बनाते हैं, वैसे नहीं, ऊपर से मोटा रखना है पर नीचे से उसका बेस जो है वो थोड़ा पतला करना है। देखिए, पतला बेस होने से बहुत ही अच्छा सेट होती है बाती ग्लास में। और इसमें ना पानी के अंदर हमको डालना है, तो आगे बताऊंगी मैं आपको, देखिएगा और प्लीज़ स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से पतली बाती कर लेनी है और 4 बाती मैं कर लूँगी। दोबारा दिखाती हूँ आपको, इस तरह से रुई लेना है और रुई को इस तरह से मोड़ के, थोड़ा रुई लेके 2-3 बार थोड़ा मोटा करना है। यहाँ पे देखें, इसका धागा मोटा करना है लेकिन बेस इसका पतला रखना है इस तरह से। अगर आप मोटा बेस बनाते हो तो डूब जाता है वो पानी में और अच्छे से नहीं जल पाता। तो यहाँ पे देखिए, 4 बाती मैंने बना के रेडी कर ली हैं। अभी ग्लास में पानी डालूँगी और पानी ना ज़्यादा ग्लास नहीं भरना है, हाफ हाफ ही डालना है। और एक जैसे ग्लास भी बहुत सुंदर लगते हैं। और अगर आप कलर का यूज़ नहीं करना चाहते तो पानी के लिए भी बहुत सुंदर लगते हैं। पानी में आप ना शिमर या कोई चमकी वगैरह डालो, बहुत ही अच्छा लुक आता है और भी सुंदर बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पानी डाल दिया है ग्लास में, अभी ग्रीन कलर डालूँगी मैं एक ग्लास में। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, मैं ग्रीन ऑरेंज का यूज़ करूँगी। और कलर है ना अच्छे से घुल जाते हैं। अगर आपके पास ये भी कलर नहीं है तो खाने वाला भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी ग्लास में ऑरेंज कलर डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ऑरेंज कलर भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आपके पास कलर अवेलेबल ना हो तो आप है ना हल्दी कुमकुम के भी बना सकते हैं दिए, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह से एक ग्लास में मैं 1/2 चम्मच कुमकुम और दूसरी ग्लास में हल्दी डाल के मिला लेंगे और अच्छे से घुल भी जाता है पानी में और बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पे देखिए, 1/2 चम्मच हल्दी डालना है क्योंकि ब्लू ग्लास है ना ये, तो ज़्यादा मैंने डाली थी हल्दी। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, दिए भी बन के रेडी है। इसको ऊपर से तेल लगाएंगे, नहीं तो ना पानी में अगर हम डालेंगे तो अच्छे से तेल से कोटिंग नहीं होता है ऊपर से, इसीलिए पहले ही मैं इसको ऑयल लगा के रख देती हूँ। 2-2 बूंद इस तरह से डालना है तो ये अच्छे से सेट हो जाती है और ज़्यादा टाइम तक जलती है। तो अभी ना ग्लास के अंदर मैं 1/2 चम्मच जितना ऑयल डालूँगी और है ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है ताकि इसकी अच्छी से मोटी लेयर बने। पतली लेयर बनाते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं जलते दिए, इसलिए अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप दिए जलाना चाहते हो, जैसे कि 5-6 घंटे के लिए भी बहुत ही अच्छा, 5-6 घंटे तक जलते हैं ये दिए। इस तरह से आप मोटी लेयर बनाओगे तो। और यहाँ पे देखिए, मैं 1/2 चम्मच जितना डाल रही हूँ, लगभग 3 से 4 टीस्पून। सारी ग्लासों में इसी तरह से ऑयल भरते जाना है और जितनी आप मोटी करोगे ना लेयर ऑयल की, बहुत ही उतना ही बहुत देर तक चलेगी। अगर और है ना नॉर्मली कोई पार्टी वगैरह हो तो भी बहुत सुंदर लगते हैं
ये दिए, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी मस्त मोटी लेयर बन चुकी है ऑयल की, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अभी ग्लास के अंदर हम भाती डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक एक करके भाती को रखते जाना है। और यहाँ पे देखिए दिए जलने के बाद कितने सुंदर लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कौन कौन ट्राई करता है मेरे DIY और रेसिपीज़। तो चलो फिर आज की रेसिपी देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ना आधा किलो जितना मुरमुरा लिया है, और मुरमुरे देखिए कितने क्रंची हैं। और इसका बेस नीचे रखना है, मतलब जब भी हम चिवड़ा बनाते हैं ना तो मुरमुरे को अच्छे से छान के इस तरह से बिछा के रखना है। जिसमें आपको चिवड़ा बनाना है टब में इस तरह से बिछा के रखेंगे। और यहाँ पे सूखी हुई हरी मिर्ची, सूखे हुए प्याज, इनको मैंने ना 2-3 दिन सुखाया है ताकि इसका मॉइस्चर अच्छे से सूख जाए। और कड़ी पत्ता, नारियल, सूखा नारियल, और दाल है, मूंगफली है, और हल्दी पाउडर, चिवड़ा मसाला, ये है फरसान, मिक्स फरसान है, और मक्का पोहे, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक लेना है और ऑयल लेना है, रिफाइंड ऑयल फ्राई करने के लिए ऑयल। तो बस इतने ही इंग्रेडिएंट हैं। और अभी इसको है ना पहले पोहे फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले पोहे फ्राई करेंगे और बेस हमें मुरमुरे का रखना है ताकि अच्छे से क्रंची हो जाए। तो टब में देखिए टिश्यू पेपर रखा है, ऊपर से मैं मुरमुरे इस तरह से फैला के रखे हैं मैंने, तो यही है। और चम्मच से अच्छे से हिलाना है वरना है ना कच्चे रह जाते हैं। इसी तरह से हमको चम्मच से हिला लेना है फ्राई करते वक्त। और अभी सारे पोहे में इस तरह से फ्राई कर लूँगी। और आधा किलो जितना मैंने मुरमुरा लिया है, और पाव किलो जितना मक्का पोहे, और मूंगफली ली है 2 कटोरी। अगर आपको ज़्यादा कम क्वांटिटी रखनी है तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली भी फ्राई हो चुकी हैं। और है ना मेरे पास एक छन्नी, उसको ढूंढ रही थी मैं, तो अभी जाके मिली थी तो मैंने सोचा कि उसी में फ्राई करूँ। तो अगर आपके पास छन्नी है ना बारीक वाली, इस तरह से देखिए ये वाली छन्नी, इसमें बहुत ही अच्छे से फ्राई होते हैं और फैलते नहीं हैं ऑयल में, बारीक चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो भी दाल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, स्पून से हिला के फ्राई करना है कोई भी चीज़ हो तो बहुत ही अच्छे से फ्राई होती हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भूनने के बाद मिला लेंगे। दाल भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अभी सूखा प्याज फ्राई करना है हमको ना, गीले प्याज का यूज़ नहीं करना है। अगर गीला प्याज यूज़ करते हो ना तो भी थोड़ा बहुत उसका मॉइस्चर रह ही जाता है, इसलिए ना प्याज को अच्छे से धूप में 2-3 दिन सुखा के फिर ही यूज़ करना है। अदरवाइज वो ना फिर मॉइस्चर की वजह से चूड़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब इसके बाद मैं नारियल फ्राई करूँगी, सूखा नारियल ही। नारियल आधा कटोरी लिया है
और ये अक्खा ही लेना है हमको, इसका पाउडर नहीं, अक्खे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो नारियल भी अच्छे से फ्राई हो गया है, ये भी मिक्स करेंगे। अब मैं डालूँगी कड़ी पत्ता, थोड़ा ऑयल निकाल लिया है मैंने, बस अभी तड़का लगाएंगे चूड़े में। सारे इंग्रेडिएंट मैंने मिला लिए हैं मुरमुरे में, अभी सबसे पहले मैं कड़ी पत्ता डालूँगी ऑयल में, उसके बाद में सूखी हरी मिर्ची, आप तीखा आपके स्वाद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 तीखी हरी मिर्ची ली है सुखा के, और सुखाए हुए बहुत अच्छा लगता है हरी मिर्ची का टेस्ट। और 2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची, लाल मिर्ची आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, ऑप्शनल है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मिला लेंगे, इसी के अंदर मैं चूड़ा मसाला डालूँगी। अभी लास्ट में तड़के के अंदर स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी, तड़के में ही डालना है, उसी में ना पूरे में लग जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चूड़े को। तो यहाँ पे देखिए तड़का रेडी है और अभी मैं इसको चूड़े के अंदर मिला लूँगी। वैसे तो बहुत ईजी है, आप ऐसे भी बच्चों के लिए स्नैक्स बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और बहुत ही अच्छा क्रंची लगता है, बहुत दिनों तक आपको इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और अभी ना इसको अच्छे से मिला लेंगे, और इसको गरम गरम ही मिला लेना है, मिक्स करना है। और नीचे टिश्यू पेपर है तो उसमें ना एक्स्ट्रा ऑयल उसमें सोख हो जाता है, तो इस वजह से मैंने रखा है। और हाथ से आप मिक्स करोगे तो और भी अच्छा, और भी अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से मैं मिला लूँगी। अभी इसके अंदर मैं फरसान डालूँगी, यहाँ पे है चीनी, पाउडर चीनी, और ये है फरसान, एंड में ही डालना है इसको। अभी वापस से इसको मिला लेंगे, और ये देखिए टूट गया था टिश्यू पेपर, अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ पूरे को। और ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनता है, आप सोच रहे होंगे कि ऑयली बनता होगा, नहीं, बहुत ही सूखा सूखा बनता है चूड़ा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलो फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे बताइएगा, और आप भी ट्राई करके देखिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो ये देखिए फाइनल लुक इस तरह से दिखता है।